धर्मा लाइफ पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज हम बात करने वाले हैं शिवजी के बारे में। तो शिवजी का नटराज का नर्तक रूप तो आपने देखा ही होगा, ध्यान से देखा है, कई सारे नागों से लिप्त हैं और सदैव एक पैर पर खड़े रहते हैं, मगर शायद ही आपको इनके पैर के नीचे लेटे हुए दानव और इन इतने सारे नाग जो इनके पीछे रहते हैं इनके रहस्य के बारे में किसी ने बताया हो। ऐसे में शिवरात्रि आने ही वाली है और इसी के उपलक्ष्य में आइए आज हम आपको शिवजी के नटराज रूप के पीछे की एक कथा जो है उसे सुनाते हैं। ये कथा दरअसल स्कंद पुराण से आती है। एक समय की बात है कि साधुओं को अपने ज्ञान और तप का बहुत घमंड हो गया। उनको इतना घमंड हो गया कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही ना थे। ऐसे में इनके घमंड को तोड़ने के लिए शिवजी ने एक भिखारी का रूप बनाया और उनके सामने जाकर उनसे पुराणों और उनके ज्ञान को लेकर वाद विवाद करना शुरू कर दिया। साधुओं का घमंड था कि टूटता ही ना था और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि और किसी की भी पूजा करने की जरूरत है ही नहीं, यानी भगवान की पूजा भी निरर्थक है। ऐसे में भगवान शिव ने भिखारी रूप में उनसे जमकर बहस करी, जिससे साधुओं को अपमानित महसूस होने लगा। उन्होंने शिव जी को ही दंडित करने की ठान ली। उन्होंने मिलकर बड़े सारे राक्षसों जिनमें से एक का नाम अपस्मार भी था और कई सारे सांपों को जन्म दिया जो कि शिव पर आक्रमण कर दें। शिव समझ गए कि इस लीला का अंत ऐसे ही संभव नहीं। उन्होंने एक अनोखा नटराज रूप धरा। सुंदर और अचंभित कर देने वाले नृत्य के साथ उन्होंने दानव अपस्मार और उसके साथ की कई सारी बुरी शक्तियों के संग सांपों का भी संहार कर दिया। इसके कारण ही सर्पों संग प्रभु नटराज की जो मूर्ति है इसको दर्शाया जाता है और साथ ही एक पैर पर खड़े होकर वो राक्षसों का संहार करते हैं। इस दृश्य को देखकर साधुओं का अहंकार अब चूर चूर हो गया और वो शिवजी के असल रूप को समझ गए। इसके साथ ही उन्होंने प्रभु के नटराज स्वरूप को प्रणाम किया और तभी से नटराज को जन्म और नाश दोनों का ही प्रतीक माना जाने लगा। इसके अलावा उनके रूप को अज्ञान और अहंकार को नष्ट करने वाला रूप ही माना जाता है। तो कैसी लगी आपको नटराज की ये कथा, क्या आपको पता थी ये भी हमें जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और ऐसी और खूबसूरत वीडियोस और कथाओं के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।